हेलो फूडीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाने वाले हैं। और ऐसी रेसिपीज के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी सारी नई रेसिपीज आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं आलू चिप्स, जिसे आप 3 से 4 सालों तक विदाउट एनी एफर्ट स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए कुछ मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं, जिसके हमने छिलके निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम इसके चिप्स बना लेते हैं। चिप्स बनाने के लिए हम इस कटर का यूज़ करने वाले हैं, इससे चिप्स बहुत ही जल्दी बनते हैं। अगर आपके घर में ये कटर अवेलेबल ना हो तो मैं आपको चाकू से भी चिप्स बना के दिखा देती हूँ। आपको जिस चीज़ से चिप्स बनाना कन्वीनियंट हो उससे आप बना सकते हो। इन चिप्स को स्टोर करके रखना मुझे इसलिए भी पसंद है, ताकि जब भी हमें चिप्स खाने की इच्छा हो तब आप इसे विदाउट एनी एफर्ट तल के खा सकते हो। इसी तरह हमने 1 किलो आलू के चिप्स बना लिए हैं और इसे हमने पानी में डाल दिया है, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। चिप्स को धोने से पहले हमने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी उबालने के लिए रख दिया था। अब हमने बनाए हुए चिप्स इस उबलते हुए पानी में डालेंगे। ये आलू के चिप्स बनाना बहुत ही आसान है और स्पेशली इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। सारे आलू चिप्स इस उबलते हुए पानी में डालने के बाद अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। हम इसमें लगभग 1.5 टेबल स्पून नमक का यूज़ करने वाले हैं। अब हम फिटकरी को 3 से 4 बार इस उबलते हुए पानी में घुमाएंगे। फिटकरी के यूज़ से जब हम आलू चिप्स को सुखाते हैं तो आलू चिप्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। अदरवाइज़ हम आलू को थोड़ी देर भी बाहर रखते हैं तो वो काला होना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसे 10 मिनट तक पका लेंगे, ताकि आलू 80% तक पक जाए। हमें इसे कम्प्लीटली सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना है। आप हाई फ्लेम करके भी इस आलू के चिप्स को पका सकते हो, वैसे भी आलू बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। दस मिनट के बाद लगभग आलू 80% तक हमने पका लिए हैं। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। इन चिप्स को स्ट्रेनर में निकालने से इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और ये चिप्स जल्दी ठंडे हो जाएंगे। सारे चिप्स को स्ट्रेनर में निकालने के बाद अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। दस पंद्रह मिनट आलू चिप्स को ठंडा करने के बाद हमने इसे प्लास्टिक के ऊपर फैला दिया है। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इन चिप्स को फैलाया है। अब हम इन चिप्स को 2 से 3 दिनों तक कड़ी धूप में सुखा लेंगे। दो से तीन दिन के बाद आप देख सकते हो ये आलू चिप्स अच्छे से सूख के रेडी हो चुके हैं। और फिटकरी का यूज करने से ये आलू चिप्स सुखाने के बाद भी काले नहीं पड़े हैं। तो चलिए अब हम इसे तल के देखते हैं कि ये कितने फूलते हैं। तलने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करके रख दिया है। अब हम ये चिप्स इस ऑयल में डालेंगे। चिप्स को तलते वक्त हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है। अगर हमने इन्हें ज़्यादा फ्लेम पे तला तो ये चिप्स जल्दी से लाल हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने प्रॉपरली ये चिप्स फूल रहे हैं और उतना ही प्यारा सुनहरा रंग इस चिप्स का आया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह कुछ चिप्स फिर से तल के देखते हैं। इन चिप्स को तलने के बाद ये बहुत ही लाइट वेटेड और एकदम क्रंची बनते हैं। तो ये बहुत ही आसान और उतने ही क्रंची आलू के चिप्स बनके रेडी हो चुके हैं। ऐसी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।